बॉलीवुड से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वह 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके पाए गए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ था। वे फिल्म कायपोचे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे और उनके अभिनय की तारीफ भी हुई थी। इसके बाद वे शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित MS धोनी की बायोपिक सुशांत के कैरियर की सबसे पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। सुशांत इसके अलावा फिल्म सोनचिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनकी आखिरी फिल्म केदारनाथ थी जिसमें वे सारा अली के साथ दिखे थे। सुशांत की अपकमिंग फिल्म किजी और मैनी थी। इस फिल्म का कुछ समय पहले ही फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था। दोस्तों, जैसा कि रतन टाटा जी ने कहा था कि अपने बच्चों को पैसा कमाना नहीं, खुश रहना सिखाइए, पैसा ही सब कुछ नहीं है। दोस्तों, आखिरी में इतना ही कहूँगा, एक और अच्छा एक्टर हमसे दूर चला गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।